Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही खास और स्पेशल रेसिपी है। ये रेसिपी नवाबों के शहर लखनऊ के गलियों से है, अवधि जायका और एक बेहतरीन रेसिपी है। जी हाँ, आज हम दलिये का गुलावटी कबाब और साथ में तुलसी की चटनी बनाएंगे। आप सभी सुनकर सोच रहे हैं ये कबाब का जायका कैसा होगा, पर यकीन करें एक नई रेसिपी और वेज के साथ नॉनवेज जैसा जायका मुंह में घुल जाने वाला एक बेहतरीन गुलावटी कबाब और साथ में नए फ्लेवर में चटनी। तो आइए बिना देर किए हुए इस नवाबी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। आज हम नवाबों के शहर लखनऊ से दलिये का गुलावटी कबाब लेके आए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और हर कबाबों से अलग ये हमारा कबाब बनकर तैयार होता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा इसका आता है। जो वेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज का इस कबाब में मजा है और टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। तो दलिये के कबाब बनाने के लिए और इसके साथ दलिये का गुलावटी कबाब के साथ हमने तुलसी की चटनी बनाएंगे, जो कि हम हरी धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी और न जाने कितनी तरह की चटनियां हम खाते हैं, लेकिन ये तुलसी की चटनी बहुत ही बेहतरीन बनती है। मैं इसमें क्या क्या सामान जाएगा मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले दलिये का गुलावटी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमने 250 ग्राम ये गेहूं का दलिया ले लिया है और दलिये को हमने धुल करके अच्छे से साफ करके 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको भिंगा दिया था और भिंगाने के बाद हमें इसको हमें भूनना नहीं है, इसी तरह से कच्चा हमें भिंगा लेना है और भिंगाने के बाद हमें इसको मिक्सी ग्राइंडर में कुछ इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा और दलिये के गुलावटी कबाब में इसके साथ हमें चने की दाल जाएगी। हमारा ये 250 ग्राम दलिया है और 250 ग्राम में हमने आधा कप चने की दाल और आधा कप हमने काली मसूर की दाल, जो कि इस तरह से होती है, और चने की दाल, तो आधा कप हमने चने की दाल लिया है और आधा कप हमने काली मसूर की दाल लिया है और इन्हें हमें अच्छे से धुल करके साफ कर लेना है और आधा कप पानी में हमें इसको पका लेना है ताकि ये हमारे नरम हो जाए। और नरम होने के बाद जब हमारा ये आधे कप पानी में पक जाएगा धीमी आंच पे, तो इसमें हमें इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस करके कुछ इस तरह से हमें कर लेना है और इसके साथ हमें उबालने में हमने 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची और 1 लौंग और दालचीनी का 1 टुकड़ा डालकर हमने इसको उबाल लिया था और पीसने के और मिक्सी ग्राइंडर में ठंडा करने के बाद हमने पीस लिया है और दाल का पेस्ट हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा हमारे दलिया गुलाटी कबाब में ये जाएगा। और साथ में हमें इस तरह से हमने 250 ग्राम दलिया में 3 प्याज हमने ले लिया है, इसको छील करके अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है और गोल्डन डार्क गोल्डन कलर में हमें कर लेना है। करने के बाद ठंडा करके इस तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेना है प्याज का और इसमें हमने 4 बादाम डाला है और 4 बादाम के साथ 2 हमने काजू डाल करके इसको पीस लिया है और इस तरह से हमें इसको लाल करके पीस लेना है। और हमारे गुलावटी कबाब में कुछ मसाले जाएंगे, मसालों में इस तरह से है दलिया गुलावटी कबाब में मसाले। 1 चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च लिया है जो हम लोग रोज कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च 1 चम्मच है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच सफेद नमक है जो हम लोग रोज कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा है, 1/2 चम्मच काली मिर्च है और 1 चम्मच चाट मसाला हमने लिया है इसमें और इसमें हरी इलायची पाउडर है, हमने इसको दरदरा पीस लिया है वो जाएगा इसमें, काला नमक 1/2 चम्मच जाएगा और इसके साथ हमें बादाम का पाउडर हमने लिया है, 6 से 7 बादाम को हमने मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया है और इसका पाउडर हम डालेंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसके साथ कस्तूरी मेथी 1 चम्मच जाएगा और 1 नींबू का रस जाएगा और इसमें हमने मलाई लिया है, घर की फ्रेश मलाई है, आप वो डाल लेंगे तो मार्केट की मलाई है वो आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच इसमें मलाई जाएगी और इसके साथ गुलाब की पत्तियां जाएंगी, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा कबाब में आता है और इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और इनके साथ 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है
और गरम मसाले में हमने स्याह जीरा, जो काला जीरा जिसको कहते हैं वो है, दाल ये जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा है, और इसमें सफेद जीरा है आधा चम्मच, एक बड़ी इलायची है, और चार हमारे कबाब चीनी है जो कि इस तरह से काली मिर्च की तरह होता है, और इसमें इस तरह से डंडी निकली होती है। इससे पहले भी मैंने बताया था काली मिर्च में और कबाब चीनी में फर्क। तो चार हमने कबाब चीनी लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है, एक दो हमने छोटी छोटे साइज की स्टिक लिया है दालचीनी की, और चार लौंग है, चार हमारे हरी इलायची है। ऐसे हमें ये सारे मसाले मिलाकर पीस कर हमने एक चम्मच बना लिया है, और एक चम्मच की क्वांटिटी इस गुलाटी कबाब में 250 ग्राम में जाएगा। आप अगर इसको 250 ग्राम से 500 ग्राम बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप बढ़ाते हैं तो गरम मसाले की क्वांटिटी कम और ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये मसाले इसमें जाएंगे। तो आइए हम, और इनके साथ हमें इसमें केवड़ा वाटर जाएगा खुशबू के लिए, जो कि कबाब में बहुत जरूरी है, और देसी घी, इसमें एक चम्मच देसी घी जाएगा, और इसके साथ गुलाटी कबाब हमें इसमें फ्राई करना है, ये जाएगा। और बाद जब हम इसको बना लेंगे तो स्मोक के लिए हमें इसको स्मोक करना भी है। तो आइए हमें स्टार्ट करते हैं इसको। गुलाटी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैन में 2-3 चम्मच हमें रिफाइंड तेल डाल लेना है, और इनके साथ हमें देसी घी डालना है। आप देसी घी की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पूरा ही आप कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन कबाब है तो आप कोशिश करिए कि देसी घी में बनाइए, तो उससे उसका जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। अब इसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, एक चम्मच हमने बड़े चम्मच से एक चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आपने दही का कटलेट खाया होगा, लेकिन दही का गुलाटी कबाब एक बार आप इस मेरे अंदाज में जरूर ट्राई करें, बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। अब इसमें ये हिसाब आप प्याज डाल देंगे, पार्टी घर में हो रही हो, कुछ अलग हटके आप रेसिपी दीजिए अपने मेहमानों को। जब भी आप दलिया का पेस्ट बना रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना है, पेस्ट एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये गुलाटी कबाब है, मुंह में घुल जाने वाला स्वाद होना चाहिए इसमें। अच्छे से इसको भून लेना है, क्योंकि हमारा दलिया कच्चा था, इसलिए इसका कच्चापन दूर करने के लिए इसकी भुनाई अच्छे से हमें करनी है। इसमें हमें ये जो दाल हमने पीस के रखा है इसको डाल देंगे, और इन्हें भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि ये जो दलिये में कच्चा पान है वो एकदम खत्म हो जाए, और एक सोनी सोनी सी हमारी गुलाटी कबाब में खुशबू आए। अब इनके साथ हमें ये लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, ये बादाम का पाउडर डाल देंगे, और इसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च
हुआ जीरा, काली मिर्च, चाट मसाला और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और मिर्ची की भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, कस्तूरी मेथी, काला नमक और इसके साथ ये जो गरम मसाला हमने बताया है हो जाएगा। इसमें हरी इलायची पाउडर और इसमें नींबू जाएगा, ये नींबू का रस इसमें जाएगा, ये गुलाब की पत्ती जाएगी और एक चम्मच हमने क्रीम लिया है ये जाएगा और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप चाहे इसको चख लें और मिर्चा और नमक की टेस्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने अपने जरूरत के हिसाब से जितना मैं खाती हूँ उस हिसाब से हम मैं इसमें डाली हूँ। तो मिर्चे और नमक की अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको रखें। अब एक चम्मच इसमें देसी घी और डालेंगे हम। डालने के बाद इसकी सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। इसको भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गया है। अब ये गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है और इसमें हम केवड़ा वाटर डालेंगे। इससे इसमें इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। मैंने इसमें केवड़ा वाटर 1.5 स्पून डाला है। बहुत ही बेहतरीन इसका फ्लेवर आएगा इससे, इसलिए केवड़ा वाटर जरूर डालें। अब इसमें हमें स्मोक करना है लौटी कबाब को, तो उसके लिए हमें एक बीच में बर्तन रख लेंगे कोई भी, चाहे आप अल्मीनियम फॉइल रख लें। और इसमें हमें हमने इस तरह से कोयला एक जला लिया है और इसके हमें इस धुआं इसमें देना है लौटी कबाब में। और 2 लौंग मैं रखूंगी इसमें ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल करके आए हमारे लौटी कबाब में। और इसमें आप देसी घी या बटर या जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें और इसको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसका जो धुएं का फ्लेवर हमारे ग्लॉटी कबाब में अच्छे से आ जाए। एक स्मोकी फ्लेवर हमारे ग्लॉटी कबाब में आएगा तो उसका जायका बहुत ही बेहतरीन होगा। इसको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद हमें इसका कबाब बना के तल लेना है। तो इसको 10 मिनट के लिए आइए हमें छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से इसमें धुआं हमारे कबाब में इसका फ्लेवर आ गया है। अब इसे हमें निकाल लेना है। कबाब बनाने के लिए और यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और पैन में आप चाहे बटर से या देसी घी से भी आप इसको सेलो फ्राई कर सकते हैं, जिसमें आप खाना पसंद करते हैं उसमें आप। और अगर आपको अच्छा जायका चाहिए तो आप देसी घी में या बटर में ही आप इसको फ्राई करें। तुलसी की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने तुलसी लिया है। तुलसी की पत्ती को अच्छे से धुल करके साफ कर लिया है। ये 3 से 4 चम्मच हमारा तुलसी के पत्ता है और इसके साथ हरी धनिया है 2 चम्मच और 5 से 6 हमारे बादाम है और लहसुन का जवा 3 से 4 है और हरी मिर्च है और काला नमक 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच सफेद नमक। इन सभी को हमें मिलाकर मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेना है, एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तुलसी की चटनी का जायका बहुत ही बेहतरीन होता है
और तुलसी हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। तो आप इस चटनी को गर्मी में जरूर शामिल करें, अपने अपनों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें। तो आइए इसको मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस लेते हैं, महीन पेस्ट बना लेते हैं। और इधर हम एक पैन चढ़ा लेंगे और पैन में हम मैं देसी घी में इसको सेलो फ्राई करूंगी। पानी लगा के या आप तेल लगा लें ताकि ये चिपके ना। और जिस भी आप साइज में कबाब खाना चाहते हैं वो साइज आप बना लें। मैं यहाँ इस तरह से छोटे छोटे साइज पे बनाऊंगी, इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। और दोनों साइड में हमें दोनों लेयर, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर हमें लाइट गोल्डन कलर का कर लेना है। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई पे नहीं इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें एक थोड़ा सा क्रंच हल्का सा बाहर से आ जाए, जो बाहर की लेयर और नीचे की लेयर ऊपर की लेयर जो ब्राउन होगी उसमें एक थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे पलट लेंगे। दलिया खाने से छोटे बच्चे हो या टीनेजर उम्र के बच्चे हो वो सभी भागते हैं, दलिया कोई भी नहीं जल्दी खाना चाहता है। आप इस तरह से कबाब के रूप में उन्हें बना के दें और बर्गर में दें, आप सैंडविच में दें या रोटी चपाती के साथ भी दें, बहुत ही बेहतरीन लगता है। और आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। इस तरह से ये हमारे लाइट गोल्डन कलर में ये आ गया है और मैंने इसको पलट दिया है। आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं और आप चाहे इस तरह से सीख कबाब बनता है। अगर आप स्नैक्स के तौर पे बच्चों के लिए दे रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा अलग कर लीजिए ताकि देखने में बच्चों को और मजा आए और खाएंगे फौरन ये बच्चे फटाफट। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इसे निकाल लेना है और इस तरह से भी आप बना सकते हैं बच्चों के लिए। और इन्हें हमें अब निकाल लेना है। ये हमारा गोल्डन कलर में आ गया है, अब इसे हमें निकाल लेना है और सर्विंग प्लेट में आप इसमें सर्व करना है, आप उसमें सर्व कर लेंगे। तो आइए इसे हमें निकाल लें। इस तरह से ये हमारे गुलावटी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप जिसे भी खिलाएंगे उसे पूरा नॉनवेज का जायका मिलेगा और वही स्वाद मिलेगा जो वो कबाब खाना चाहते हैं, वही टेस्ट। तो आप जरूर ट्राई करें इसे। इस तरह से ये हमारा कबाब तैयार हो गया है। बाकी के भी कबाब हमें निकालने हैं। हमारे दलिये के गुलाटी कबाब और तुलसी की चटनी तैयार है। एक नई रेसिपी और स्वाद का कोई जवाब नहीं। आपके ये कबाब खाकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा और खाने वाले को यकीन नहीं होगा कि ये दलिये का कबाब है। स्वाद एकदम नॉनवेज जैसा। और इस कबाब को जरूर आप ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं हमारी ये दलिये की गुलाटी कबाब और तुलसी की चटनी कैसी लगी। आप सभी के कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ही हौसला मिलता है। इसी तरह से आप मेरे हंगरी स्पून चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार हमें देते रहें। और आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद हंगरी स्पून।